योगी सरकार बहुचर्चित 400 करोड़ के बैंक लोन घोटाले को लेकर जांच को सीबीआई को सौंप सकती है। इसको लेकर शासन ने गाजियाबाद जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। ज्ञात हो कि गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक घोटाले का मामला साल 2020 में सामने आया था। बीते दिनों से यह मामला फिर चर्चा में है। गाजियाबाद पुलिस की ओर से मामले में लक्ष्य तनवर को मुख्य आरोपी बनाते हुए प्रकरण में जनपद के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में लक्ष्य तनवर समेत कई लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। इन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के लगभग 39 मामले दर्ज हैं। यह घोटाला अगस्त 2020 में सामने आया था। उस समय शिवम नाम के युवक के द्वारा लक्ष्य उनकी पत्नी प्रियंका तनवर, PNB प्रबंधक कुमार, उप प्रबंधक प्रियदर्शनी व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ GT रोड कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि तनवर ने उनके ही नाम पर 1.33 करोड़ की दो संपत्तियां खरीदी और बैंक से 4 करोड़ का कर्ज लिया। माना जा रहा है कि इस मामले में यूपी सरकार CBI जांच की सिफारिश कर सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पाया था कि शिवम और उसके पिता सुनील कुमार के तनवर से काफी अच्छे संबंध थे। पुलिस ने कहा कि शिवम ने खुद को और अपने पिता को बचाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई। इसका कारण था कि लोन राशि की वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया। पुलिस के तफ्तीश में कई और चीजें सामने आई। पता चला था कि 2012 में आरोपी लक्ष्य तनवर ने कई बैंकों के मैनेजरों कर्मचारियों से साठगांठ कर फर्जी कागजों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का लोन किया। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक आरोपी बनाए गए। मामले में करीब 1 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।